आज की क्लास की शुरुआत हम एक प्रश्न से ही करेंगे। प्रश्न में वो सब कुछ लेंगे जो हमने अभी तक लिया था, अर्थात एक छोटा सा रिवीजन 2 मिनट का। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो एक प्रश्न से यहीं से शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास सेशन को। अगर आप करेक्टेड है तो आपको कहीं से भी डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखेगी, आपको लगेगा कि हम पिछली क्लास थे और अभी हम इस क्लास में आ गए हैं, एकदम कनेक्टेड आपको लगेगा सारी चीजें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 720 के विषम गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है, ऑड फैक्टर कितने हैं इसके, कितने विषम गुणनखंड, ये हम लोग को डिसाइड करना है। ठीक है, तो 720 के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं इसको कैसे बताएंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि कोई संख्या है उसका अगर हम फैक्टराइजेशन जनरल करें, मतलब उसके सभी गुणनखंड हम नॉर्मली डिसाइड करें, तो आप सब पाते हैं कि पहला गुणनखंड एक होता है, अंतिम वह खुद ही होता है। मतलब सबसे छोटा गुणनखंड एक किसी भी संख्या के लिए होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या जो है खुद ही होती है। अब उसमें कौन कौन गुणनखंड सम हैं, कौन कौन से विषम हैं, कौन कौन से अभाज्य हैं, कितने अभाज्य हैं, ये सब बातें डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो एक नंबर हमने उठाया 720, तरीका समझिएगा तो आपको यहाँ पर ना कि केवल विषम गुणनखंड, हम आपको ये भी बता देंगे सम कैसे निकलेगा, हम आपको ये भी बता देंगे कुल कितना होगा, वो सारी बातें हम आपकी कवर कर देते हैं। तो सबसे पहले लीजिए 720, जो कि आपको सबसे पहले करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइज, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना होगा। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, अभाज्य संख्याओं का उपयोग करके इसको फैक्टराइज करिए। अगर याद होगा आपको स्कूल में जब एलसीएम एससीएफ हम लोग पढ़ते थे लासा, तो लासा भी हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड का ही उपयोग करके किया होगा। तो आपने प्राइम फैक्टराइज किया होगा, 2 का उपयोग, 3 का उपयोग, 5 का, 7 का, 11 का। मैंने इसके पिछले वाली क्लास में एक असाइनमेंट भी दिया था, आपको पता होगा, उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ की पावर 0, 1, 2, 3, मतलब इस तरह से पावर आपको याद रखना है। ये मैंने आप लोगों को क्लियर किया था, आपको याद होगा ना। तो आइए प्रश्न का उत्तर तो आप लोग बता रहे हैं, छोटा सा एक हम लोग कंक्लूजन रखते हैं इसमें कि 720 को पहले अभाज्य फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें तो हम इसको 72 × 10 करते हैं। 72 को तो ठीक है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, ध्यान दीजिएगा तरीका आपको समझ में आ जाएगा अभी तुरंत। और इसको क्या कर सकते हैं, 8 × 9 होता है, मतलब 2 × 2 × 2 ये 8 हो गया, 3 × 3 8 × 9 = 72 × 2 × 5 आपके पास लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग। अर्थात 2 की पावर ये कितना, 1, 2, 3, 4 है, 3 की पावर यहाँ पर 1, 2 है, और यहाँ पर 5 की पावर 1 है, 16 × 9 = 144, 5 ऐसे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, दिस इज 720। हमने उस 720 को कुछ ऐसे लिख दिया है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। देखिए ध्यान से, तबीयत अब काफी ठीक है, कल अचानक से पता नहीं क्या उस समय हमको ऐसा हुआ कि मैं चाह करके भी क्लास नहीं कंटिन्यू कर पाया, और आप लोगों ने बहुत विशेष भी की और आपने पूछा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी मतलब उस फीलिंग को समझते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले देखिए ध्यान से, 720 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ऐसे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से बातों को समझिएगा, इसमें तो केवल विषम गुणनखंड पूछा है, बट आपसे अगर ये पूछता कि टोटल फैक्टर कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो कैसे निकालते बताइए। टोटल फैक्टर अगर हमको निकालना होता तो टोटल फैक्टर में हम लोग क्या करते थे, जो पावर्स होती हैं अभाज्य के ऊपर लगी पावर जो होती है उसको एक एक बढ़ा देते हैं। 4 को कर दिया 5, 2 को कर दिया 3, और 1 को कर दिया 2, 5 × 15 = 30, ये हो जाता टोटल फैक्टर। मान लो अपने से पूछा होता इवन फैक्टर, दरअसल हम इसलिए इसको बता दे रहे कि एक प्रश्न से कनेक्ट कर जाइए आप लोग। इवन फैक्टर देखो कितना होगा, इवन फैक्टर के लिए मैंने आपको बताया होगा, अगर याद होगा आप लोग को, तो एक ही संख्या अभाज्य और इवन दोनों होती है, जो प्राइम एंड इवन बोथ होती है, दैट इज 2 ओनली। 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं हो सकती है, आपको पता है। तो आपको जब भी इवन फैक्टर निकालना हो तो आप 2 के ऊपर जो भी पावर लगी रहे उस पावर को एज इट इज उपयोग में लाइए। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आज लास्ट में, मैं एकदम क्लियर करके रखूंगा इसको। बाकी की पावर को एक एक बढ़ाना है, 2 को 3 करना है और 1 को 2 करना है। 4 × 12 = 24, ये हो गया इवन फैक्टर। यही पर मैं आपसे कहता कि ऑड फैक्टर बताओ क्या होगा, ऑड फैक्टर में आपको 2 का उपयोग नहीं करना है, 2 को छोड़ देना है, तो 2 वाला सेक्शन हटा दीजिए, बाकी सबको जैसे था वैसे ही मल्टीप्लाई कर दे। देखिए 3 × 2 होगा, 3 × 2 कितना होगा 6, तो 6 अब ऐसे भी जोड़ने पर ये 30 हो जाता है। इसका उत्तर फिलहाल बी ऑप्शन था, अगर हमसे केवल ऑड फैक्टर ही करना था तो हम लोग इजिली कर सकते थे, ऐसा नहीं कि तो मैंने टोटल डिसाइड करके आपको बता दिया। कि कभी भी आपके सामने अगर ऐसा प्रश्न आए जहां पर इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, टोटल फैक्टर सारी चीजें कैलकुलेट करनी हो तो आप लोग उसको डिसाइड कर सकते हो। आशा करता हूं समझ में चीजें आई होगी ना। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हमें भी आज पूरी एक्सप्लेनेशन का देते हैं सब कुछ। जैसे एक और करिए, 540 के कितने कुल विषम गुणनखंड है, कौन कौन बता रहा है इसका, 540 के कुल कितने विषम गुणनखंड है, आइए डिसाइड करते हैं 540 के कुल कितने विषम गुणनखंड है। ध्यान दीजिए कैसे किया जाएगा,
लिखिए 540 गुड़े आप कर, 540 को कैसे लिखेंगे, 540 का फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करेंगे, 540 गुड़े मतलब 55 गुड़े आप 10 कर सकते हैं भाई, अभाज्य गुणनखंड करना ही पड़ेगा, उसके लिए हम कैसे होगा, हाँ जरूर पूछिए रोशन। टॉपिक से हटकर अगर मुझे लगेगा आंसर देने लायक है तो मैं आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए इसको बताइए, हमने लिखा 540 बराबर 54 गुणे 10, इसको तो आप जानते हैं 2 गुणे 5 है, इसको आप जानते हैं कि 27 दूना 54 है, मतलब 2 कर दीजिए गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए अभी हम लोग सीधा सीधा 540 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 540 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 2 3 और 5 की पावर 1, ये है आपका 540। अब मुझे अगर यहां पर, बहुत बहुत धन्यवाद हासिम, हाँ अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे यहां पर ऑड फैक्टर निकालना है तो ऑड फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आप 2 को केवल छोड़ दो, 2 को छोड़ दीजिए, बाकी को लीजिए, बाकी की जो पावर से एक एक बढ़ा के लीजिए, जैसे 3 की पावर 3 है तो उसको 4 कर दीजिए, 5 की पावर 1 है तो उसको 2 कर दीजिए, 4 दुना कितना होगा बताएं, 8 होगा, तो इसके लिए टोटल यहाँ पर ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएगा, तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर 8 है, करेक्ट सम आप लोग नोट कर सकते हैं, क्लियर हो गया ना, यस हाँ। इसका उत्तर जो है हम बैच में देंगे आपको, ऐसे देना सही नहीं है रोशन, और अगर मुझे लगता कि हम दे सकते हैं तो जरूर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, बाकी जो है सबका सम्मान है, सब अच्छे लोग हैं, पारिवारिक हैं, सबसे अच्छे संबंध हैं, कोई भी जो है अपने साथ है नहीं है, हमेशा उसके उसके लिए चिंता रहती है, उसके लिए इमोशंस रहते हैं, चाहे कोई भी सर हो, ठीक है, और सब साथ ही भाई की तरह काम किए हैं, तो हमेशा सबके प्रति आत्मीयता होती है, कभी कभी कुछ बातें होती हैं छोटे बड़े में डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ कमियां आती हैं, कुछ एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटीज आती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो इंसान को झकझोर देती है, कमजोर कर देती है, और वो डिस्टर्बेंस होता है, उस वजह से चीजें खराब होती है, बाकी सबको बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरी बहुत ही लगाव व्यक्तिगत लगाव रही अभी भी है, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है रोशन, ठीक है, बाकी आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है, आप पढ़िए अच्छे से, ठीक, बाकी कभी रहेगा तो बैच में डिस्कस किया जाएगा। आइए हम लोगों ने देख लिया ना, 9वां नंबर कंफर्म हो गया, 540 के कुल कितने विषम गुणनखंड थे मैंने आपको समझा दिया, 8 है टोटल, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब जैसे इस तरह के प्रश्न भी आएंगे, लिखा रहेगा, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, 7 की पावर 4 है, कि कितने गुणनखंड विषम संख्याएं हैं, मतलब यहां पर भी एक प्रकार से विषम गुणनखंड ही पूछा है, विषम गुणनखंड ही पूछा है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को। अब देखिए इसको कैसे करते हैं आप लोग, जैसे इसका टोटल फैक्टर, हम टोटल फैक्टर तो पूछा नहीं है, हमसे ऑड फैक्टर पूछा, विषम गुणनखंड ओरल है, सब लोग थोड़ा सा कमेंट करके आंसर बता दें, जब भी ऑड फैक्टर निकालना हो तो आपको क्या करना है, इसको छोड़ देना है, 2 वाली पावर छोड़ देना है, बाकी के पावर्स को एक एक बढ़ाना है, 3+1 कर दीजिए जो पावर लगी है, और 4+1 कर दीजिए जो पावर लगी है, भैया 4 होगा और ये 5 होगा, तो 4 × 5 बताएं कितना होगा, 20, तो राइट सोल्यूशन यहां पर कितना होगा, 20, राइट सोल्यूशन क्या होगा, 20, हाँ बहुत जल्दी ही आएगी IOC और किताब जैसे ही आएगी हम आपको क्लियर करेंगे, यस ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट देखिए, अब इधर की चीजों को कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद फिर हम कुछ बातें और आपको बताते हैं। एक चीज देखो और पूछा जाता है, मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म कर दूं, जैसे मान लो एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बता दूं, अगर कोई एक संख्या लिखा है 12, कोई भी नॉर्मल नंबर लिखा है, आप इसका जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो या 2 की पावर 2 गुणे, या ऐसे जनरल पहले मैं फैक्टराइज कर दूं, आप इसको रख पे कहीं भी फैक्टराइज करो, तो या 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा, 2 दूना 4 गुणे 3 होगा। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या टोटल प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर, और एक और चीज यहीं पर एंड यहीं पर आप मेंशन कर लीजिएगा, टाइप्स ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, अब आपको कंफर्म हो जाएगा, कुल अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंडों के प्रकार, इसको आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा, गुणनखंडों के प्रकार। जैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई एक संख्या लीजिए, ठीक है,
ध्यान दीजिएगा पॉइंट जो मैं मेंशन कर रहा हूं, कुल अभाज्य गुणनखंड और कुल अभाज्य गुणनखंडों के प्रकार। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है, ध्यान से देखना, अगर हमने जैसे 12 को लिया है तो, या कोई भी नंबर आप ले लीजिए, तो इसमें हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 × 4 × 3 अर्थात 12 हो गया। तो यहां पर कितने प्रकार के, अगर जैसे हम इसको प्रेजेंट करें 12 को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 1। अगर मैं आपसे कहूंगा कुल अभाज्य गुणनखंड, ध्यान से देखिएगा कुल अभाज्य गुणनखंड, तो आप कितना बताएंगे? कुल अभाज्य गुणनखंड जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप जो पावर लिखा है, जैसे आपके पास जो पावर है, जैसे आपने लिखा नंबर n = a^m, b^n, c^r, मान लीजिए कोई संख्या को आपने ऐसे प्रेजेंट किया, तो आप अगर जैसे कुल अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो पावर को जोड़ दो, पावर कितना हो जाएगा? m + n + r, मतलब सभी घातों को जोड़ दीजिए। इसी हिसाब से अगर इस संख्या के कुल अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछा जाता तो आप लिखते 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3। अब यहां पर मैं बता रहा हूं, उसको कंफर्म करिए। इसके अलावा जैसे अगर मान लीजिए मैं आप लोगों से ये कहता कि अभाज्य गुणनखंडों के प्रकार, मतलब कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है, दो चीजें पूछा जाता है, कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं, तो आप देखिएगा आपका जो 12 लिखा है वो 2 × 2 है × 3 1 है, मतलब अगर सोचो तो 2 ही एक प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं। इसका आंसर होगा 2। 2 और 3 दो ही प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं। जैसे आपसे अभाज्य गुणनखंडों का प्रकार पूछे तो आप देखो कि कितने प्राइम का उपयोग आपने किया है, जैसे 2 का उपयोग किया 3 का उपयोग किया, ठीक है, और टोटल अगर पूछेगा तो पावर को जोड़ दे। जैसे हमने क्या बताया, अगर आप नंबर को इस रूप में लिख सकते हैं, आपसे पूछे कितने प्रकार के, तो हम कहेंगे 3 प्रकार के हैं, आपसे पूछेगा कितने हैं तो कहोगे इनको जोड़ दीजिए, पावर से पावर को जोड़ दीजिए, ठीक है। मैं उसको बता देता हूं, 2 की पावर 6 में मैं बता देता हूं कि उसमें क्या हो रहा है, वो कंफर्म कर देता हूं। अब जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया, ध्यान से मेरी बात को समझिए, कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए 60 दिया, मुझसे कहा जाए 60 के कुल अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, पहले 60 के कुल अभाज्य गुणनखंड ये आपसे करके एक प्रश्न पूछा उसने, तो आप इसको देखिए दो तरीके से सोच सकते हैं। पहले तो 60 का फैक्टराइजेशन करिए, 60 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 की पावर कितना होगा, 2 × 4 × 3 1 × 5 1। जैसे आपसे पूछा कि टोटल प्राइम फैक्टर, मतलब कुल अभाज्य गुणनखंड, देखिए दो चीजें इसमें होती हैं, आपको कितने प्रकार के अभाज्य दिख रहे हैं बोलिए, 1 प्रकार 2 प्रकार 3 प्रकार, मतलब 3 प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं। और कितने अभाज्य गुणनखंड है बोलिए, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, इसको अगर आपको बताना है तो आपको पावर को ऐड करना होगा। पावर ऐड करिए 2 + 1 + 1, ये ध्यान दीजिएगा 2 × 2 = 4 होगा। कभी भी अगर आपसे कोई संख्या दे करके पूछे कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो आप ऐसी स्थिति में आपको पावर को जोड़ना है, और कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं तो आपको सिंपली देखना है कि कौन कौन से अभाज्य संख्याओं का उपयोग किया गया है, कितनी प्रकार की अभाज्य संख्याओं का उपयोग किया गया है। जैसे ये प्रश्न अगर आपके पास आए, जैसे आप देखिए लिखा 240 के सभी विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, सभी विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमको 240 का बताना है। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखिए 240 है, फैक्टराइज करिए, 24 × 10 करिए, इसको हम 8 × 3 कर सकते हैं, मतलब 2 × 2 × 2 8 हो गया × 3, इसको लिखिए 2 × 5, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 जो 240 है। आप देखिए 2 का उपयोग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ऐसे करके आपने नंबर लिख दिया, 2 की पावर 4 3 की पावर 1 5 की पावर 1। अब जैसे आप ध्यान से देखना, जैसे हमसे क्या पूछा है बताइए, 240 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल द डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 240, आप क्या लिखोगे बताओ। जैसे अगर सोचो तो 3 प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं, 1 2 3, बट हमसे इसने टोटल प्राइम पूछा है, सभी विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है, तो सभी विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 × 2 कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर सभी विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल द डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 240, अगर हमसे सभी विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो सभी विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोलो कितनी है,
आपकी 6 है, और अगर यहीं पर, हाँ यस, अगर आपसे टोटल पूछा होता कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमको बताना होता, कुल अभाज्य गुणनखंडों का योग बताना होता, हम लोग पावर्स को जोड़ देते, तब उस कंडीशन में आपके पास कितना, सिंपली आपके पास जैसे विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों का हमसे जैसे क्या पूछा है, 240 के सभी विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछ रहा है, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं हमसे। देखिए दो प्रकार से मैंने आप लोगों को कंफर्म किया, शब्द ही यहां पर सब कुछ क्लियर करते हैं, शब्दों से ही कंफर्म हो पाता है कि हमसे क्या प्रश्न कह रहा है, हमको क्या करना चाहिए। अब आपसे क्या बोला, 240 के सभी विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, कितने अलग अलग प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं इनकी संख्या पूछ रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो विभिन्न अभाज्य गुणनखंड यहां पर 3 है, थोड़ा सा शब्दों से और देखिएगा तो यहां पर जैसे क्या पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है, जैसे एक प्रश्न है आपके पास, इसको थोड़ा देखिएगा तो दोनों अभी कनेक्ट हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 20790 है, जैसे दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, दोनों को भी हम रिलेट कर देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी बातें, कंफर्म आएगी समझ में। 20790 करके एक नंबर है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2079 इंटू कितना कर दो, 10 कर दो, अभी ऐसे रहने दीजिए। अब आप चेक करिए कि जो 2079 है ये किससे कटेगा, ये 3 से कट रहा है, 7 2 9 9 18, हाँ 3 से कट रहा है, 3 6 18 होता है, 2 3 9 27, 3 3 9 होता है, 3 6 18 हुआ, 2 9 2 7 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 से काटिए, 3 2 9 6, 3 3 9, 3 1 3, अभी भी 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 7 21, अभी भी, अब 7 से कटेगा, 7 11 बार, और 11 से कटेगा 11 1 बार, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 7 × 11 × 2 × 5, ये है 2 × 5, मतलब आप पूरा लिख सकते हैं 20790 को 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, 11 की पावर 1 है। अब जैसे आपसे देखिए क्या पूछा है, यहां पर वर्डिंग समझिएगा तो कंफर्म होगा और आपको क्लियर हो जाए तो प्लीज बताइएगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। यहां पर अगर देखो 3 1 4 1 5 5 2 7, यहां पर जैसे हमसे अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से पूछा, 1 2 3 4 5, कितने अभाज्य टोटल गुणनखंड है बताइए, आप कंफर्म कर सकते हैं, आपको 5 प्रकार के अभाज्य गुणनखंड दिख रहे हैं, 5 प्रकार के अभाज्य गुणनखंड दिख रहे हैं, और अगर यहीं पर हमसे पूछता कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, 3 1 4 4 3 7 हो जाता, फिलहाल यहां पर हमारे पास कितने प्रकार के हैं, 5, ठीक है, 5 प्रकार के अभाज्य गुणनखंड है। इसीलिए इस प्रश्न का जो यहां पर उत्तर था, आपको यहां पर क्या बताना था पता है, 4 1 2 देखे 6 हमने बताया था आपको कुल अभाज्य, तो वर्डिंग के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि प्रश्न की डिमांड क्या है और प्रश्न को कैसे हमें टैकल करना है, कैसे बताना है। जैसे इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कंफर्म करिए, ये वाला प्रश्न यहां पर क्या पूछा है देखिए बताइए, लिखा है 8 की पावर 20 है, क्या है 8 की पावर 20 है, और क्या लिखा है 15 की पावर 24 है, 17 की पावर 15 है, में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 8 की पावर 20, 15 की पावर 24 एंड 17 की पावर 15, जो बता सकते हैं बता दीजिए इसका उत्तर। सबसे पहले देखो ये तो अभाज्य है 17, लेकिन ना 15 है ना 8 है, तो 8 को पहले लिखो 2 की पावर 3 की पावर 20, मतलब 2 की पावर 60 हो गया, और यहां पर ये 15 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 × 5, आप कभी भी अगर प्राइम नहीं है तो हमारा ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले उसको प्राइम लिखना जो नंबर से लिखे हुए हैं, तो 3 × 5 है, पावर 24 लगा है, मतलब आप लिख सकते हो 3 की पावर 24, 5 की पावर 24, 3 की पावर 24, 5 की पावर 24, और 17 की पावर 15 ऑलरेडी लिखा हुआ है, सारे पावर सेट हो गए, 2 की पावर 60 हो गया, 3 की पावर आपका 24 है, 5 की पावर 24 है, 17 की पावर 15 है, सारे पावर्स को जोड़ दो, सारे पावर जोड़िए, 60 24 24 15, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 60 और 48 ना, 108 हो गया, 108 और 15 जोड़ दिया 123 हो गया, 123 टोटल आ रहा है, राइट सोल्यूशन हो जाएगा 123, यस, हाँ 8 15 को प्राइम करेंगे, एकदम सही है सौरभ, सही बात है, ये कंफर्म हो गया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं लेकर के आप लोगों को, और कुछ चीजों पर डिस्कशन हम लोग करते हैं, थोड़ा सा बातों को अब समझिएगा गंभीरता से, समझिए कुछ बातें, ठीक है। अब जैसे मान लो, मैं पहले हेडिंग कर लेना आप सब लोग कि सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, फिर इसको हम कंफर्म करते हैं आपको क्या है, गुणनखंडों का योग,
गुणनखंडों का योग, समाप्त फैक्टर मतलब गुणनखंडों का योग। ध्यान से बातों को क्लियर करिए। जैसे मान लो मैंने आपको एक नंबर दिया, एकदम प्रैक्टिकल समझिएगा और एकदम विजुअलाइज करिएगा तभी कंफर्म होगा। मान लो मैंने एक नंबर लिखा 6, 6 का फैक्टराइजेशन करिए, कौन कौन से फैक्टर आएंगे 6 के बताइए। जो संख्याएं 6 को काट सके सबसे पहले कौन है, एक कितनी बार काटेगा 6 बार, दो कितनी बार काटेगा 3 बार, 1, 2, 3, 6 ये संख्याएं हमारे पास है, ठीक है, ये संख्याएं हमारे पास है। इसी हिसाब से हमने देखा कि इसके कुल 4 फैक्टर हैं, कितने हैं 4। अगर मैं कहूं कि गुणनखंडों का योग बताओ, गुणनखंडों का योग आप बताइए कितना होगा, गुणनखंडों का योग बताओ, 6, 3, 9, 2, 11, एक 12 है, ठीक है, गुणनखंडों का योग यहां पर इसके लिए कितना आ रहा, बोलिए 12 है। ऐसे कोई भी संख्या आप उठा ले, कोई भी संख्या, जैसे आपने कहा कि चलो हमारे पास 8 एक नंबर है, 8 के सारे फैक्टर्स देखो, एक कितनी बार 8 बार, दो कितनी बार 4 बार। अभी अगर मुझे कहा जाए कि इनके गुणनखंडों का योग करना है तो योग कैसे होगा बताइए, योग के लिए आपको क्या करना हो, 8, 4, 12, 2, 14, 1, 15 है, योग कितना आ रहा बताएं 15 है। ये जो हम कर ले रहे हैं प्रत्येक के अलग अलग गुणनखंड निकाल करके, ये सब जगह तो पॉसिबल है नहीं कि 540 दिया उसका भी आप कर पाओ, 1000 कुछ दिया उसका भी कर पाओ, ये पॉसिबल तो होता नहीं है। आपको गुणनखंडों का अभी यहां पर क्योंकि छोटे नंबर से ना, तो आप ओरल देख के बता सकते हैं, ओरल देख के बता सकते हैं, बट यही नंबर से बड़े होंगे तो आपको मेथड समझना होगा। अब उस मेथड को समझने के लिए आप सोचो कैसे करना है हम लोग को चीजों को। जैसे मान लो आप कभी भी कोई संख्या लिखी रह दी हो, प्रोसेस समझिएगा, रूल में बता रहा हूं अब आपको। सबसे पहला काम आपको करना है कि उसको ए की पावर एम, बी की पावर एन, सी की पावर आर, ऐसे करके आपको ब्रेक करना है। मतलब क्या करना है बताइए, अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना है। जब अभाज्य गुणनखंड कर दिया उसके बाद प्रत्येक जो संख्या अभाज्य के रूप में लिखी है उनके सभी गुणनखंडों को निकालना है, उन सभी गुणनखंडों को जोड़कर आपस में गुणा करना है, मतलब जितनी पेयरिंग पॉसिबल हो उन पेयरिंग को निर्धारित करके हम बता पाएंगे। जैसे मैं आपको ऐसे समझाऊं, मान लो मैंने 12 लिया और आपसे कहा कि भैया ये बताओ 12 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड, सॉरी कितने तो आप बता ही दोगे, अब तो आपके लिए इजी हो गया, इन 12 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा ये आपसे पूछा गया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 की पावर 2, 4 होता है, गुणे 3 की पावर 1 अर्थात 3 होता है, ये होता है। कहोगे सर ये 12 को आप ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं ना। अब मैंने कहा कि अभाज्य गुणनखंड तो हो गया, अब जो नंबर्स बने हैं उनके सभी गुणनखंडों को निकालना है। कैसे, मैं आपको बता दूं, जैसे आप देखो तो ये नंबर क्या है 2 की पावर 2 मतलब 4 है, ये नंबर क्या है 3 की पावर 1 मतलब 3 है। जैसे 12 के इतने अलग अलग गुणनखंड हुए ऐसे 4 के भी तो गुणनखंड होंगे, और वो क्या होंगे, कोई भी नंबर अगर अपने प्राइम रूप में लिखी है तो उसके गुणनखंड निकालना बड़े इजी है। कैसे निकालना इजी है आप समझो, जैसे 2 की पावर 2 है, आप इसके सभी गुणनखंड अगर बताना चाहते हैं तो वैसे भी मैंने आपसे कंफर्म किया था किसी भी संख्या का पहला गुणनखंड 1 होता है, और एक प्रश्न आपके मन में हमेशा आना चाहिए था, जब हम टोटल फैक्टर निकालते थे तो पावर में 1 जोड़ते थे, आपके मन में क्यों नहीं आया कि वह 1 क्यों जोड़ा जाता है, हो सकता है आपको क्लियर हो, लेकिन जान लीजिए कि 1 इसलिए जोड़ा जाता है कि सबसे पहला गुणनखंड किसी संख्या का तय होता है वह 1 होता है। और एक आता कहां से है, जैसे मुझे इस 2 की पावर 2 के सभी गुणनखंड निकालने हैं तो पहला गुणनखंड इसका 2 की पावर 0 होगा, कौन होगा 2 की पावर 0, दूसरा गुणनखंड 2 की पावर 1 होगा, तीसरा गुणनखंड खुद यह 2 की पावर 2 होगा। मतलब अगर किसी संख्या के कुल फैक्टर्स या कुल गुणनखंड निकालने हैं तो पावर 0 से शुरू करो और जो उसकी मैक्सिमम पावर है वहां तक आप पहुंच जाओ। इसी तरह से इसका करना है तो 3 की पावर 0 3 की पावर 1 हुआ। अब अगर मुझे देखो, अब मैं जो वहां पर लिखा हूं, जो चीज प्राप्त किया उसको कैसे डिसाइड करूंगा, अब इसका मान कितना है 1 है, इसका मान कितना है 2 है, इसका मान कितना है 4 है। अब इनको प्रत्येक को जोड़ दे, 4, 2, 6 कितना हो गया बताएं 7। अब हमने किसका किया, 12 का किया, जबकि ये 6 का था, फिलहाल हम 12 का कर रहे थे, इस प्रश्न के हिसाब से करना मुझे 6 का चाहिए, हालांकि प्रश्न एक बन गया कि चलो 12 के ही कुल गुणनखंडों का योग करना था, अभी उसका भी करके हम कंफर्म कर देंगे। यहां पर इसका योग 12 आया था, प्रश्न एक डिफरेंट लिया हम लोगों ने, इनके सभी गुणनखंडों को जोड़ा, 4, 2, 6 कितना हो गया बताएं 7 हो गया, कितना हो गया 7, तो इनके सभी गुणनखंडों का जोड़ हो गया 7। इसकी बात करो तो इसका मान 1 होगा, इसका मान 3 होगा, 3 1 कितना हो जाएगा बताएं 4, 7 4 28 होगा। अगर कभी आपसे ये कहा जाता कि 12 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा तो आप क्या उत्तर बताएंगे, बोलिए 28 आया।
अब अगर आपसे यही देखो 6 का पूछा गया होता, 6 के सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकलता? ऐसे देखिए, उत्तर आपने कंफर्म किया 12 है, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसे हम 2 की पावर 0 2 की पावर 1 बोलेंगे, 3 की पावर 0 3 की पावर 1 बोलेंगे। यह आपका 1 है, यह आपका 2 है, यह आपका 1 है, यह आपका 3 है, यह कुल मिला के 3 होगा, यह कुल मिला के 4 होगा, 3 गुणे 4 कर दो, देखो इसके बराबर हो गया, अर्थात 12 हो गया। ये मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन किया था, अभी मैं इसको भी प्रूव करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे किया जा रहा है, ठीक है? यस, आई बातें समझ में? किसी का भी करना हो, जैसे 8 का करना है, 8 का हमको तय है ना, कितना आ रहा है बोलो, 15 आ रहा है, कैसे करेंगे समझिएगा। हम सब जानते हैं कि 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है। हम इसको क्या लिखें, इसके सारे फैक्टर, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, सबको अपने को जोड़ना है, सबको अपने को जोड़ना है, या 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा, 8 4 12 2 14 1 15, देखिए मैच करा कि नहीं। यस, हमें किसी भी गुणनखंड, किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों को अगर जोड़ना है तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन कुछ बातें हमको बहुत ही तय करनी है, ओरल ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है मैंने एक आपको वर्क दिया था कि 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, ये सब याद कर लो और उसका उपयोग और एक याद करने पर मैं कहूंगा, लेकिन पहले आप समझो, पहले सीखो कैसे किया जाता है, ठीक है? मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 48, ध्यान दीजिएगा, कि सभी गुणनखंडों गुणनखंडों का योग बताओ क्या होगा, 48 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए क्या होगा, तो आपको क्या करना है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 48 बराबर आप लिखेंगे 2 की पावर 4 16 3 की पावर 1 48, यही होता है ना, 2 की पावर 4 16, आप कमेंट करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, 2 की पावर 4 16 3 की पावर 1 48 होता है। कैसे लिखा जाएगा, 2 की पावर 4 के सभी गुणनखंड, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4। अब इसी का मान अगर आपको याद होता तो बहुत ही आसान होता, अगर ये मान हमको जोड़, जैसे अब देखो हमें करना पड़ेगा बार बार, लेकिन एक बार अगर हैबिट आ जाएगी ना तो आपको दिक्कत नहीं होती है, जैसे ओरल हम सीख लें कि 2 की पावर 0 2 की पावर 1 जुड़कर क्या होता है, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 जुड़कर क्या होता है, अगर ये ओरल हम तैयार कर ले तो अपने लिए बहुत ही आसान हो जाता है। फिलहाल देख लो, 1 होगा 2 होगा 4 होगा 8 होगा 16 होगा, कितना हो गया बताइए, 2 1 3 4 2 1 3 3 4 7 8 15 16 31 हो गया, कितना हो गया, 31 हो गया जोड़ने पर। और यहां पर देखो 3 की पावर 0 3 की पावर 1 है, यह आपका 1 है, यह आपका 3 है, 3 1 कितना है 4 है। अब इनका योग करना था तो कितना हो जाएगा बताएं, 31 गुणे 4 हो गया, 4 1 के 4 4 3 12 124 हो गया, कितना हो गया, 124 हो गया, करेक्ट है, याद हो गया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मैं आपको कुछ और भी याद करने को आज कहूंगा, जैसे अगर जोड़ना है तो जोड़ने की केस में याद करने के लिए मैं कहूंगा कुछ और, देखिए थोड़ा सा आप लोग कमेंट करिए, मैं लिख रहा हूं 60 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ क्या होगा बताएं सब लोग, ठीक है, 60 के सभी गुणनखंडों का योग, कौन कौन बता सकता है, जो बता सकते हैं कंफर्म करें, क्या लिखा जाएगा, 60 बराबर 2 की पावर 2 4 गुणे 3 की पावर 1 3 गुणे 5 की पावर 1 60, 2 की पावर 2 4 3 12 5 60, वेरी गुड सौरभ। और भी लोग जो बता सकते हैं बताएं, इसका कितना होगा, 60 के सभी गुणनखंडों का योग कौन कौन कर सकता है, कैसे निकलेगा, सभी के गुणनखंड तय करिए। मैं अभी और कुछ आपको असाइनमेंट प्रैक्टिस कराता हूं, वो तैयार करें और बहुत ही काम आने वाला है। अब जैसे इसके लिए क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, 0 से लेकर मैक्सिमम पावर तक पहुंचिए। दरअसल ये करते क्या पता है, इसके सभी गुणनखंड निकालते हैं, इसके सभी गुणनखंड निकालिए 3 की पावर 0 3 की पावर 1, इसके सभी गुणनखंड निकालिए 5 की पावर 0 5 की पावर 1। आइए देखते हैं, अभी हम लोग क्या कर दें, यह 1 हुआ यह 2 हुआ यह 4 हुआ, 4 2 6 7 हुआ, यह 1 हुआ यह 3 हुआ 3 1 4 हुआ, यह 1 हुआ यह 5 हुआ, तो 5 1 कितना हुआ 6 हुआ, 7 गुणे 4 गुणे 6, ठीक है, 7 गुणे 4 गुणे 6 28 गुणे 6, 6 8 48, 6 2 12 2 12 4 16, 168, 168 इज द राइट सोल्यूशन। अगर हमें कहा जाए कि 60 के सभी गुणनखंडों का योग बता दो तो 60 के सभी गुणनखंडों का योग कितना हो रहा है बताएं, आप कंफर्म कर लें, आपको चीजें कंफर्म हो रही होंगी, 4 3 12 5 60, मैंने इसके सभी गुणनखंड किए 7 आया, इसके सभी गुणन किए 4 आया, इसके सभी गुणनखंड किए 6 आया, 7 गुणे 4 गुणे 6 कर दिया, तो उत्तर आपके पास कितना आ रहा है बताएं, 168 आ रहा है। क्लियर है ना, कंफर्म है, कोई दिक्कत किसी को, 7 4 28 गुणे 6 कर दो, 6 8 48, 6 2 12 4 16, 168 आया, 168 ही है ना, यस।
क्लियर हो गया। अब एक दो और करिए, फिर कुछ बातें और बताते हैं। 100 के 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए क्या होगा, कौन कौन कर सकता है, जल्दी से बताएं। 100 के सभी गुणनखंडों का योग कौन बता सकता है? आप इसको तैयार करिए, बहुत ही इजी है, चीजें समझ में आ जाएगी आपको। 100 का हम लिख सकते हैं क्या बताएं, 2 की पावर 2 4, ठीक है, 5 की पावर 2 25, 25 100 के कितना होता है 100। अब अगर हमें क्या करना है, समाप्त टोटल फैक्टर, सारे गुणनखंडों का योग निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ये आपका 1 होगा, ये 2 होगा, ये आपका 4, 4 2 6 7 होगा। ये आपका 1 होगा, ये 5 होगा, ये 25, 25 5 30 1 31 होगा। क्या हो जाएगा बोले, 7 × 31, 7 × 1 7 7 3 21, 217 आएगा, ठीक है, 217 इसके सभी गुणनखंडों का योग आएगा। कंफर्म हो गई बातें? तो ये सब बातें आपको बहुत ही क्लियर समझनी है कि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा, वो क्या होगा, ये हम कंफर्म करते हैं। देखो, एक कंफ्यूजन यहाँ सबको आ रहा होगा कि ये जो आप कर ले रहे हैं, ये कैसे हमको याद हो, कैसे तैयार हो। मैं इसी के लिए आपको कहना चाहता हूँ, जैसे आपको ज्यादातर जो उपयोग दिखेगा वो 2 की पावर का दिखेगा, 5 की पावर का, 3 की पावर का, 7 की पावर का, इससे ज्यादा का उपयोग नहीं होगा। तो अगर हम एक चीज यहाँ पर समझें, जैसे आपको मैं कहूँ, अगर कभी आपके लिए देखिए, फार समाप्त फैक्टर, ठीक है, समाप्त फैक्टर मैं आपको कुछ चीजें कहूंगा तैयार करिए। क्या तैयार करिए? फार समाप्त फैक्टर अर्थात गुणनखंडों के योग के लिए, गुणनखंडों के योग के लिए आपको कुछ बातें मैं कहूँ तैयार कर लीजिए। और तैयार कैसे करेंगे, अगर समझेंगे सुनेंगे मुझे तब, समय दे करके। कैसे सुनिए समझिए लोग, सब लोग। जैसे आपको कभी 2 की पावर 2 का उपयोग करना होगा, 3 का करना होगा, 4 का, 5 का, तो अलग अलग करने की जरूरत ना पड़े, देखते ही उत्तर आ जाए। जैसे आपको, जैसे कुछ हद तक मेरी बातें सुनकर समझकर याद करिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, कम से कम अगर इतना भी याद कर लेंगे तो आपके लिए सफिशियंट होगा। अब सुनिए, कभी किसी नंबर में अगर 2 का उपयोग हुआ तो मिनिमम पावर 2 की पावर 1 होगा। अगर किसी नंबर में फैक्टराइजेशन में 2 का उपयोग हुआ तो मिनिमम पावर 2 की पावर 1 ही होगा, 0 नहीं होगा। तो अगर 2 की पावर 1 तक है, 2 की पावर 1 तक है, तो आपको लिखना है 3। कितना लिखना है? 3। ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर 1 तक है तो कितना लिखना है? 3। यही अगर 2 की पावर 2 तक हुआ तो लिखना है 7। अगर यही 2 की पावर 3 तक हुआ तो आपको लिखना है 15। कैसे लिखता जा रहा हूं देखिए, इसका मान 1 होगा, इसका मान 2, 1 मिलकर 3। हमेशा कोई भी नंबर होगा, जैसे केवल इसी के लिए नहीं, अगर 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 है, अगर यहां तक हम लोग गए हैं तो यह किसी भी हालत में 4 होगा। 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 1 है, मतलब 5 की पावर 1 का उपयोग है, तो यह भी किसी हालत में, आपको मैं कंफर्म कर दूं कि अगर 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 1 है, तो यह भी किसी हालत में 6 ही होगा। 7 की पावर 0 है, 7 की पावर 1 है, मतलब 7 की पावर 1 का उपयोग है, तो यह भी किसी हालत में 8 ही होगा। याद रखना, 1 बढ़कर होता है। अब जैसे इसका सोचिए क्या लिखें, मैंने कहा 2 की पावर 1 तक अगर उपयोग है 3 लिखिए, 2 की पावर 2 का उपयोग है तो 7 लिखिए, 2 की पावर 3 का उपयोग है तो 15 लिखिए, 2 की पावर 4 का उपयोग है तो आपको 15 16 31 लिखना है, 2 की पावर 5 का उपयोग है तो 31 32 63 लिखना है, और 2 की पावर अगर 6 का उपयोग है तो 63 में 64 जोड़ दें, 127 लिखना है। याद रखिएगा इस चीज को, अगर इसको तैयार कर लिया तो बहुत ही अच्छा होगा, चीजें समझ में आएगी, कंफर्म रहेगा और हमेशा चीजें कनेक्ट करेगी। समझ रहे ना? यस, आई बातें समझ में, एक बार क्लियर करिए। चलिए इसका भी ऐसे समझिए, कुछ हद तक चीजें थोड़ा सा आपको कनेक्ट करें, तय हो चीजें समझ में आए। जैसे मान लो 3 की पावर 1 तक मैंने इतना लिखा, 3 की पावर 2 होता तो क्या लिखता पता है? 13। 3 की पावर 3 होता तो क्या लिखता पता है? 27 13 40। 3 की पावर 4 होता तो कितना लिखा जाता? 3 की पावर 4, आपका यहाँ पर 81 और 40 जोड़ दिया तो 121। ऐसे 5 की पावर पर भी आप कर सकते हैं, 7 की पावर पर भी। अगर ये सब चीजें हमें कनेक्ट हैं, याद है ना, तो हमें उतनी दिक्कत नहीं होती है, हम ओरल चीजों को बता लेते हैं। अगर आपको याद करना है मेरे साथ याद कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उपयोगी होता है। जैसे आपको कोई भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग अगर करना है, जैसे मान लो ये देखो नंबर है, मैं आपको क्लियर करता हूँ, चीजें आपको कनेक्ट करती हैं, चीजें बता समझ में आती है, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए देखिए है जी, हाँ,
नहीं, स्क्वायर नहीं करना था, हाँ वो बैलूस ही जोड़ा गया था, लेकिन अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर मुझे याद है तो बहुत अच्छी बात, जैसे मैंने आपसे कहा 450 के सभी गुणनखंडों का योग बता दो, तो पहला काम हम क्या करेंगे, 450 को फैक्टराइज करेंगे। 45 गुणे 10 करोगे कि नहीं आप? बिल्कुल करेंगे 45 गुणे 10। इसको क्या लिखेंगे, 15 तिया 45 होता है, हम सबको पता है, मतलब 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 9 हो गया, गुणे 5 45, अभी कितना होगा 2 गुणे 5, मतलब आप 450 को क्या लिख सकते हैं बताएं, 450 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। 2 की पावर 1 पर मैंने लिखवाया होगा 3, 2 की पावर 1 कितना होगा 3, समझ रहे हैं? इधर देखिए आप आगे बढ़िए, अब 3 की पावर 2 पर क्या लिखेंगे पता है आप, 3 की पावर 0, जैसे आप देख लो यहां पर 3 की पावर, अभी मैंने लिखवाया 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 9 4 कितना हो जाएगा 13, जैसे इसका मान 1 होगा, इसका मान 3 होगा, इसका मान आपका 9 होगा, 9 4 13, यह मान हो गया 13। ऐसे 5 के लिए भी मैं आपको बता दूं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो ये आपका 5 1 6 6 25 31 हो गया, कितना हो गया 31 हो गया। अब आप इसका प्रोडक्ट कर दीजिए तो आपको क्लियर हो जाए क्या हो रहा है, 3 1 के 3, 3 3 9 है, गुड़े 13 है, 13 3 39 होता है, 9 कैरी आपका जो है 3 हुआ, 13 9 117, 117 और क्या कहते हैं 3 जोड़ दिया तो 120 हुआ, 1209 इसका राइट सोल्यूशन आ रहा है, 1209 आ रहा है जो पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है, 1209 राइट सोल्यूशन है। इस तरह से किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग अगर आपको करना है तो आप लोग बता सकते हैं, ओरल चीजें डिसाइड कर, जैसे मान लीजिए ये है, तो इसके लिए मैं आपको फिर आज सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने बनवाया है उसको अच्छे से तैयार करिएगा। जैसे मैंने कहा 180 के सभी भाजकों का अर्थात सभी गुणनखंडों का योग आपको बताना है एग्जैक्टली कितना होगा, 180 के सभी गुणनखंडों का आपको योग बताना है, देखिए कैसे निकालेंगे, 180 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताएं, 80 18 गुणे 10 लिख दीजिए, इसको 2 गुणे 9 कहते हैं और इसे 2 गुणे 5 कह दीजिए, करेक्ट है, 180 लिखिए, इसको हम 2 की पावर 2 करते हैं, 5 की पावर 1 करते हैं, 9 की पावर 1 करते हैं, 9 मतलब 3 की पावर 2 करते हैं, 3 की पावर 2 करते हैं। अब आपको जैसे अगर सम ऑफ फैक्टर्स मतलब सभी गुणनखंडों का योग करना है तो 2 की पावर 1 पर देखो हमें याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो ये कन्फर्म है, 4 3 12 हो जाएगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा बताएं, 6 हो जाएगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, अभी किया था 13, 9 4 13 हो जाएगा। अब आपको करना है 12 गुणे 6 गुणे 13, 12 गुणे 6 गुणे 13, 12 6 72 होता है, 72 गुणे 13 कर दीजिए, 13 2 26, 13 7 91, 91 2 93, आपके पास 91 2 कितना होगा 93 होगा, आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर उत्तर मैच नहीं कर रहा होगा आप लोग का, डी ऑप्शन ई ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, आप चेक कर लीजिए, आपके सामने वैल्यू है, आप इसका कितना 546 आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, जैसे आप चेक कर लीजिए फिर से, ये कितना है, ओ मैंने यहाँ गलत लिखा है, नहीं सही लिखा है, 2 की पावर 1 2, आपका 2 की पावर 2 था ना, 2 की पावर 2 पर कितना हो गया था 4, ये हमने 12 जो लिखा था दैट वाज रॉन्ग ना, ये आपका गलत था, ये आपका कितना हो जाएगा 4 3 7 होगा, तो यहाँ पर यह वैल्यू 936 नहीं होगी और हिसाब से उत्तर में ही मैच करेगा, 7 गुणे 6 गुणे कितना करना था 13, तो 13 7 91 होता, 91 गुणे 6 कर देते, 6 के 6 6 9 54, तो 546 इसका राइट सोल्यूशन होगा, बिल्कुल सही है, देखिए बहुत बढ़िया बताया आप लोगों ने, यस बहुत बढ़िया, अच्छे से करिए कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे सबके साथ कंफ्यूजन होती है सौरभ, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा डाउट आता है सब हमेशा, ये नेचुरल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। इस तरह से हम किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कर सकते हैं, सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो एक प्रश्न और बनकर आता है, जैसे और मैं एक आध क्वेश्चन करवा देता हूँ उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि 240 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए क्या होगा, सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, 240 के सभी गुणनखंडों का योग अगर आपको बताना है तो एक दो क्वेश्चन हम इससे और कनेक्ट कर देते हैं फिर क्लियर हो जाएगी चीजें, कैसे लिखा जाएगा बताएं, 240 लिखा है, 24 गुणे 10 लिख दीजिए इसको, 24 गुणे 10 है, इसको क्या लिखेंगे, 2 2 4 2 8, देखो एक चीज मैं बता दूं, अगर ये फैक्टराइजेशन हमको तुरंत नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तेजी से आने का एक ही तरीका है कि आप इसको घर पे रफ स्पेस पर करिए जैसे स्कूल में करते थे, ऐसे 240 लीजिए, हालांकि 0 हटा दे तो अच्छा ही है, आसान हो जाता है, नहीं तो 2 से तब तक काटिए जब तक कटे, यही नियम होता था ना,
दो से तब तक काटिए जब तक कटे, फिर अब तीन से काटिए जब ना कट रहा है तो तीन से काटिए, देखिए 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। हम अभाज्य संख्याओं का ही उपयोग तो करते आए हमेशा, आपको याद है हम लोग एलसीएम एलसीएम पढ़े हैं, सब चीजें किया है हम लोगों ने। 24 को हम 8 * 24 कह देंगे, इसको हम 2 × 5 कह देंगे। अब अगर 240 लिखा है, हम 2 की पावर 1, 2, 3, 4 करेंगे, 3 की पावर 1 करेंगे और 5 की पावर 1 करेंगे। अब अगर आपको सम निकालना है तो ध्यान से देखिए सम निकलेगा कैसे। इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अगर हमने अभी देखिए थोड़ी देर पहले टेबल बनवाया था आप लोगों को, ये देखिए दिया था 2 की पावर 4 पर मैंने बोला था 31 होगा, कितना होगा 31। अगर ये घर पे आप तैयार कर लेंगे कल तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा ये चीज। अब जो हम प्रश्न करा रहे हैं, जैसे इसको कंफर्म हो गया कि 2 की पावर 4 पर कितना मान आएगा, 2 की पावर 4 पर तय हो गया कि आपका 31 आएगा, लेकिन उसको भी करके एक बार देख लीजिए, या 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा या 16 होगा, जोड़ के देखेंगे तो 31 आएगा। ऐसे 3 की पावर 1 का मतलब 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, हमेशा 4 आएगा। जैसे अगर कोई की पावर 1 है, जैसे 3 की पावर 1 है तो 4 आएगा, 5 की पावर 1 है तो 6 आएगा, 7 की पावर 1 है तो 8 आएगा, इसका मान 4 हो गया। इसी प्रकार से 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 करेंगे तो यह मान कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसको हम अप्लाई कर दिए मल्टीप्लाई, 31 × 4 × 6, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 है, 124 × 6 है, 6 × 4 = 24 है, 6 × 2 = 12, 2 = 14 की 4 हाथ से लेख है, 6 × 6 = 2। देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 × 4 = 24 की 4 हाथ से 2 है, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 14 की 4 हाथ से लेख है, 6 × 6 = 7, 744 राइट सोल्यूशन है, 744। एक डाउट देखिए हो सकता है आपके मन में हो, आप उसको क्लियर कर दें तो हम भी समझ जाएंगे कि बताना क्लियर हो गया है। जैसे लिखा हो 9 की पावर 3 है, 9 की पावर 1 है या 2 है, 9 की पावर 2 है, और एक सेकंड मैं जो प्रश्न दे रहा हूं उसको करिएगा, 4 की पावर 2 है, ठीक है, 9 है और 9 है, 5 की पावर कितना है, 5 की पावर आपका मान लीजिए, चलिए ऐसे रहने देते हैं। आपसे कहा गया कि इनके सभी गुणनखंडों का योग करिए, सभी गुणनखंडों का योग करिए, गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, बताइए कितना हो जाएगा। अगर इसका उत्तर आपको बताना है, अब यहां पर एक नंबर दिया है, जैसे आप इसको मानो कि यह n है, n बराबर 4 की पावर 2 है, 9 है सिंपली और 5 है, तो पहली चीज तो सारे नंबर्स आपके अभाज्य नहीं है, है ना, सारे नंबर अभाज्य नहीं, इसमें कौन अभाज्य है, केवल 5 है, बाकी तो आपको सेट करना होगा ना। कैसे सेट करेंगे, पहले तो 4 को सेट करो, आप इसे 2, अभी गलती से कोई अगर ऐसा उपयोग कर ले तो गलत हो जाएगा, पहले तो आप इसको 2 की पावर 2 करो 4 को, फिर पावर 2 लगा है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख दीजिए, और इधर 5 की पावर 1 कर दीजिए, 5 की पावर 1 कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखो इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4 कर दें, 3 की पावर 2 रहने दें, 5 की पावर 1 कर दें, यही आपका यन है, यही आपका यन है। अब आपको जैसे देखिए सम निकालना है, मतलब सभी गुणनखंडों का योग करना है, तो सभी गुणनखंडों का योग देखो कैसे होगा। अभी 4 को क्या लिखेंगे, अभी किया था हम लोगों ने 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, जैसे हम 1-2 बार करेंगे तो हमको खुद ही कंफर्म हो जाए कि मान क्या होगा, मतलब इसके लिए बार बार हमें करने की जरूरत नहीं है। अभी पीछे वाले प्रश्न में देखिए आप लोगों ने किया कि इसका 2 की पावर 4 तक 31 आ रहा है, तो हम इसका क्यों ना 31 लिख दें, ठीक है, सीधा लिख दें 2 की पावर 4 तक 31 होता है ना। इसके अलावा देखिए आपके पास ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो ये आपका हो जाएगा 4 और 9 = 13 हो जाएगा, ऐसे यह आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 1 है, तो यह 6 होगा। 31 × 13 × 6 है, तो 6 × 6 = 18 × 13, 13 × 6 = 78, कैरी 7 होता है, 13 × 8 = 104, 104 × 7 = 111, कैरी 11, 13 × 11, 13 × 13 = 24 होता है, 2418 हो जाएगा इसका सम, गुणनखंडों का योग 2418 हो गया, ये बातें कंफर्म हो गई होगी। एक चीज देखो और, जैसे हम लोगों से पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आपको मैं एक और पॉइंट यहीं पे कर देता हूं, फिर इसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है, एक सेशन और हो सकता है। 2 पावर क्यों कहां पे, 2 पावर क्यों, पावर जैसे बिल्कुल लगाएंगे भाई, तभी तो 4 को 2 लिखेंगे ना, वो प्राइम नंबर है, उसको हम लोगों ने सबसे पहले, सॉरी वो आपका नॉर्मल नंबर है, वो आपका कंपोजिट नंबर है, उसको प्राइम में कन्वर्ट करना होगा, अभाज्य में लिखना होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, बिना अभाज्य में क्या नहीं कर सकते। ध्यान से देखिएगा, जैसे एक चीज आपके सामने आएगी वो भी आपको बहुत ही क्लियर समझना है। जैसे मान लो हमने कहा कि आपके पास एक संख्या है 6, 6 के सभी गुणनखंड करिए, तो कौन कौन आया, 1 आया कितनी बार, 6 बार,
दो आएगा कितनी बार, तीन बार, ये सारे गुणनखंड आए। अब आप अगर इन सभी गुणनखंडों का मैं कह दूं कि गुणनफल करो, सभी का गुणनफल करो, इनका गुणनफल करो कितना आएगा बताओ, 6 × 3 = 18, 2 × 24 कितना आ रहा है 24, दो तिया छह, छह चार के 36, 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36, यहां पर गुणनखंडों का जो गुणनफल आ रहा है कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक है, तो हम एक हेडिंग कर लें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है, अर्थात गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल, हम जितने भी गुणनखंड दिए हैं उनका हम गुणनफल करें, प्रोडक्ट करें, देखिए क्या प्राप्त होता है। कोई भी अगर हमारे पास एक संख्या दी है तो उसके गुणनखंडों का गुणनफल करें। हाँ मैं लेता हूं, सारे टॉपिक लूंगा, परेशान मत हो हासिम, ठीक है, सारे टॉपिक लगभग कवर कर देंगे, आप चिंता मत करिए। अभी देखो इसको आप पहले समझो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अर्थात गुणनखंडों का गुणनफल हम करते हैं, इसका तरीका समझो। इसके लिए आपको एक रूल तैयार, जैसे अभी 36 जो आया है, ऐसे मान लो नंबर बढ़ा रहे तो कैसे करेंगे, तो आपको इसका एक रूल समझना है, दिमाग में रखना है। रूल होगा n की पावर f by 2, n की पावर f by 2, n क्या है, n यहां पर दी गई संख्या है, दी गई संख्या है, जो संख्या है वही हम लोग n मानते हैं, और f क्या है बताइए, f टोटल फैक्टर है, ठीक है, टोटल फैक्टर है। तो पहला काम तो हमें उस संख्या के सभी गुणनखंड निकालने होंगे, सभी गुणनखंड निकाल करके उसका आधा करके संख्या के ऊपर पावर लगानी होगी, इससे कंफर्म हो पाएगा। जैसे मान लो आपके पास ये 36 था, तो 36 का सॉरी संख्या क्या थी, 6 थी, संख्या आपकी क्या थी, 6 थी, तो 6 का फैक्टराइजेशन करते 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1 होता, ये संख्या बनती, संख्या का फैक्टराइजेशन होता। अब अगर मान लो हमें इसके गुणनखंडों का गुणनफल करना था तो यही रूल पे जाना था, इसमें यन तो कंफर्म है कि यन क्या है, संख्या ही है जो 6 लिखा है, लेकिन जो पावर एफ लिखा है, एफ मतलब टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर तो आपको करना ही पड़ेगा ना, कैसे करेंगे समझिए, जो टोटल फैक्टर का नियम था उसको लगाइए, पावर को एक एक जोड़िए, 1 + 1 हुआ और 1 + 1 हुआ, 2 × 2 = 4 हुआ, 4 हुआ ना, तो आपको क्या करना है, अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर करना है, ठीक है, गुणनखंडों का गुणनफल करना है, देखिए अभी आ जाएगा, गुणनखंडों का गुणनफल करना है तो आपको सीधा सीधा लिखना है, पहले तो संख्या, n की जगह लिखो संख्या, संख्या कितनी है, 6 की पावर हम लोग को n by 2 अर्थात 4/2 करना है, 4/2 अर्थात 6 की पावर 2 होगा, 6 की पावर 2 कितना होता है, 36, राइट सोल्यूशन 36 है, समझ रहे ना, देखिए ऐसे बन गया कि नहीं। ऐसे किसी भी संख्या के लिए आप करिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा नंबर 12, 12 के गुणनखंडों का, 12 के गुणनखंडों का गुणनफल, हाँ 12 के गुणनखंडों का गुणनफल आपको बताना है क्या होगा। अब 12 के गुणनखंड हम ऐसे देखिए, जो चीज वोरल है अपने पास उसको एक बार ऐसे सेट करें, देखिए कितना आएगा, 12, 1 से कितनी बार 12 बार, 2 से कितनी बार 6 बार, 3 से कितनी बार 4 बार, इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे ना, देखो कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट करिए, 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 12, 2 × 1 = 2 × 3 = 6 × 4 = 24, 6 × 1 = 12 कर दीजिए, 1728 आएगा, मतलब 12 का क्यूब होगा। अब ये चीज आएगा कैसे अगर हम इसको फार्मूले से करेंगे जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा होगा, परेशान मत हो, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, हाँ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर गुणनखंडों का गुणनफल निकलेगा कैसे, एन की पावर एफ बाई टू से, एन की पावर एफ बाई टू से, ठीक, आइए करते हैं हम लोग यहां पर कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, n मतलब दी गई संख्या, 12 की पावर टोटल फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, टोटल फैक्टर के लिए जो 12 दिया है उसका फैक्टराइजेशन करिए, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 होगा, 2 × 2 = 4 × 3 = 12 होता है। टोटल फैक्टर निकलेगा कैसे, टोटल फैक्टर के लिए जो पावर लिखा है, पावर को एक एक बढ़ाइए, 2 को 3 करिए, 1 को 2 करिए, 3 × 2 कितना हो गया, 6, हम लोग लिखेंगे 6/2, अर्थात 12 की पावर 3 हुआ, 12 की पावर 3 1728 होगा, 1728 करेक्ट है ना, कर लिया। तो आप किसी भी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल निकाल सकते हैं, करेक्ट है। एक प्रॉब्लम देखो कुछ हद तक जैसे ऐसे आती है, फिलहाल हम आज के सेशन को अभी इससे ज्यादा करेक्ट नहीं कर पाएंगे, और इसमें अभी जैसे हम लोगों को कल करना क्या है उसको ध्यान दीजिएगा, कल हम लोग को जो जो टॉपिक कवर करने मैं प्रेजेंट अभी से कर दे रहा हूँ, और होमवर्क में मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, क्या करना है उनका वो आप लिख लीजिएगा, 180 लिखा है मैंने, 512 लिखा है, ठीक है 512 लिखा है, 576 लिखा है, इन तीन संख्याओं के लिए आपको क्या क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले टोटल फैक्टर, ठीक है, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर,
फिर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट इतनी चीजें आपको करना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको करके रखना है। और हम कल क्या कवर करेंगे मैं बता देता हूं, कल होगा जो जो कवर आपका, जैसे व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इवन फैक्टर का योग क्या होगा, इवन फैक्टर का एडिशन हमसे पता करना होगा, जोड़ बताना है। ऑड फैक्टर का क्या होगा, ठीक है, ऑड फैक्टर का क्या होगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, बहुत ही कनेक्टेड है, सब रिलेट करेंगे बीपीएससी से, परफेक्ट योग क्या होगा। तो कल हम एक लंबा सेशन करेंगे, तो इसमें हम इन सारी चीजों को एक साथ कवर कर लेंगे, ये पूरा का पूरा हम कवर करेंगे, ठीक है। बाकी आज आप इतना ही करिए, इसको होमवर्क में रखिए। और एक चीज और होमवर्क में रखना है आप लोगों को, जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बताइए। एक मैंने आपको बताया था जैसे 2 की पावर 0 लिखना है, 2 की पावर 1 लिखना है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की, इतना तक लिखना है इसका कम से कम। इसका जोड़ क्या होगा, इतने तक का जोड़ क्या होगा, इतने तक का क्या होगा, इतने तक का क्या होगा, इतने तक का क्या होगा, और इतने तक का क्या होगा, ऐसे 3 का भी 5 का भी 7 का भी, ये आपको लर्न करना है, ठीक है, ये प्रोसेस आपको करना है, ठीक। तो ये सही कनेक्टेड है, आप अच्छे से इसको कवर करिए। बाकी हम लोग कल मुलाकात करेंगे, इसके आगे के लिए पीडीएफ आपको भी थोड़ी देर में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अभी मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।